चैनल। तो आज है 28 मई सैटरडे और अभी बज रहे हैं 11 यहाँ के टाइम के हिसाब से। और आज हम जा रहे हैं यहाँ के एक लोकल मार्केट में, तो आपको दिखाते हैं कैसा होता है यहाँ का लोकल मार्केट। और फिलहाल अगर अभी अभी मौसम की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो हो सकता है बारिश भी आ जाए, बट यही वो करेंगे कि बारिश ना आए ताकि हम इजीली जो है मार्केट घूम सके और आपको भी दिखा सकें। तो करेंगे आज यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर, तो चलिए चलते हैं। तो अभी लोकल मार्केट के रास्ते में जाते हुए हम एक जगह पर रुके हैं। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर फाउंटेन है, और साथ में इसी फाउंटेन के कुछ सामने यहाँ का म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वेदर का यहाँ पे अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, जब हम घर से निकले थे तो एकदम बारिश आने जैसा मौसम था और अभी धूप आ गई है। चारों ओर स्ट्रीट्स में कितना ज़्यादा ग्रीनरी है, तो ये तो एकदम यहाँ का सिटी वाला एरिया है, और जो गांव वाला एरिया होगा विलेज वाला, वहाँ पर कितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी इसको आप इमेजिन कर सकते हो। छोटी सी मिनी कार, तो अभी हम पहुंच गए हैं एक चर्च के सामने और यहीं पर लोकल मार्केट भी लगता है। और एक अंकल हैं वो बहुत अच्छा वॉयलिन प्ले कर रहे हैं, हम देखते हैं अगर वहां पर वीडियो बनाना अलाउड होगा तो आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। तो आज सैटरडे है तो सभी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की ब्रेड्स वगैरह मिलती हैं। मार्केट अभी तक धूप थी यहाँ पर और अभी अचानक से जो है बारिश आने लग गई है, हल्का हल्का बूंदाबांदी होने लग गई है। ये बड़ा मार्केट है तो अभी आधा ही दिखाया है हमने, अभी और दिखाते हैं आपको। चलिए Do you need this toy? Yes. Yeah. Do you like it? Okay. मिची ने यहाँ से एक टॉय लिया है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस शॉप को चला रहे हैं। तो मिसी ने भी लोकल मार्केट से अपने लिए एक बढ़िया सा टॉय खरीद लिया है। मिसी आपने क्या खरीदा है? तो अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ आपको सामने दिख रहा होगा अमृत लिखा हुआ, तो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर इंडियंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो जर्मनी में इस तरह के रेस्टोरेंट्स आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत देखने को मिलेंगे। फ्लावर्स की यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं क्योंकि गिफ्ट में यहाँ पे प्लांट्स और फ्लावर्स देने का चलन है। तो
तो यहाँ ऐसी स्ट्रीट में अभी घूमते घूमते हमें दिख गया एक स्वदेश रेस्टोरेंट। तो विदेश में रहते हुए हमें दिख गया है पीछे स्वदेश। तो आप देख सकते हो सामने स्वदेश रेस्टोरेंट है और उसमें लिखा है नॉर्थ एंड साउथ इंडियन फूड। तो किसी दिन हम ट्राई करेंगे और फिर आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी कॉमन है, आपको इस तरह से स्ट्रीट्स में लोग बैठे हुए दिख जाएंगे, अपने टैलेंट को दिखाते हैं और अगर आप चाहो तो कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दी है, तो आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मिस्सी भी डाल के आ गई है अपनी तरफ से पॉइंट। तो अभी कॉन्टीन्यूसली हम 3 से 4 आवर्स से बस लगातार चलते जा रहे हैं, तो पूरा लोकल मार्केट हमने कैप्चर कर लिया है और साथ में शूट भी कर लिया है आपको दिखाने के लिए। तो आपको कैसा लगा यहाँ का लोकल मार्केट बताइएगा ज़रूर। और अभी हम घर चलते हैं क्योंकि मौसम भी यहाँ का बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा है। अभी तक तेज़ धूप आ गई थी, अब एकदम बारिश आने जैसा हो गया है, तो भीगे ना, इसलिए हम सोच रहे हैं फटाफट घर चलते हैं। और चलो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।